बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर सुमित सिंह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच की लड़ाई होगी, जिसमें इंडिया की ही जीत होगी। और जो भाजपा दावा कर रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुंबई में विपक्षी एकता की जो बैठक होगी, उस दौरान विपक्षी एकता के नेतागण महत्वपूर्ण फैसला लेंगे, जिससे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त किया जा सकेगा। अहंकारी या भ्रष्टाचारी इस तरह से करके अपने को ये कर रहे हैं, वो तो आश्वस्त है कि तीसरी बार भी जनता उन्हें मौका देने जा रही है। ये तो जनता बताएगी ना, 2024 में तय होगा कि कौन जाएगा तीसरी बार या कौन हटेगा। आपको क्या राय है, बिहार में 40 सीटें हैं, आप भी घूम रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, बिहार में जो माहौल है और गठबंधन की जो स्थिति है, महागठबंधन की जो स्थिति है, हम लोग अगर पूरी मजबूती से लड़ते हैं तो हम लोग को ये पूर्ण उम्मीद है कि आप मुझे दो सीट बता दें भारतीय जनता पार्टी का जिस पे वो विजयी हो सके। आपको लगता है कि पटना में भी बीजेपी हार सकती है? बिल्कुल हार सकती है, आप यहाँ के वोट का गणित देख लें। 25-26 को बैठक होने जा रही है मुंबई में, नहीं देखिए उसमें तो जो सिर्फ नेतृत्व है वो लोग बैठते हैं, अब हम लोग अभी मामूली कार्यकर्ता हैं, हम लोग बस पार्टी मतलब जो हम लोग को निर्देश देती है हम लोग काम करते हैं, महागठबंधन के हम लोग सिपाही हैं, इसलिए निश्चित तौर पर बात तो बढ़नी चाहिए, तीसरी बैठक है, बात तो बढ़ेगी। नहीं देखिए, उसमें तो पहले जांच होनी चाहिए, पहले एक टीम गठित करके उस पर जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, अगर लगता है कि फिर मुआवजा देने लायक है तो उनको मुआवजा दिया जा सकता है। क्या लग रहा है कि आपको पुलिस को प्रशिक्षण किसे देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पर लाठीचार्ज होता है तो कमर से ऊपर गोली चलाई जाती है, ये क्या प्रशिक्षण देने की जो आवश्यकता लग रही है? देखिए, ये जाँच का विषय है, जाँचोपरांत ही बताया जा सकता है क्या वहाँ पर सही है क्या गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्या नहीं होता ये अपने अपने स्तर से हम लोग वहाँ पे जजमेंट दे देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है इस बात को हम लोग नहीं जान पाते, वीडियो में क्या या फुटेज में क्या है इसे नहीं कह सकते, माहौल क्या बना था ये सबसे बड़ी बात है, किस कारण से वहाँ पे गोली चली ये देखना जरूरी है। पुलिस मैनुअल के हिसाब से तो जिस तरह आजकल हो रहा है, कमर से ऊपर पीटा जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, ये क्या होगा? इस तरह के लोगों पर कार्रवाई भी तो हो रही है, कार्रवाई भी तो हुई है जो पुलिस मैनुअल को नहीं फॉलो कर रहे हैं। खैर, ये तो कहने की बात है, जो अग्निवीर को क्यों मतलब ये क्या क्या था वो अग्निवीर ही ना, अग्निवीर को क्यों भूल जाते हैं आप लोग, किसानों को क्यों भूल जाते हैं, किसान क्या है, किसान तो देश के अन्नदाता हैं, उन पर लाठी कौन चलाया था, अग्निवीर कौन थे, देश के युवा थे, देश के नौनिहाल थे, उन पर लाठी कौन चलाया, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री सभी अहंकारी हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं लोग, आपको लगता है कि 24 में इंडिया वर्सेस इंडिया की कोई लड़ाई है? देखिए, अहंकार तो तब आता है जब हमारे किसी के पास कुछ होता है, आप खुद पद पे बैठे हुए हैं, खुद पद पे आसीन हैं और आप इस तरह की बात करते हैं कि अगला अहंकारी हो, जो पद पे बैठता है तब ना अहंकार आता है, अभी तो कोई पद पे है नहीं तो सब स्ट्रगलर है, मेहनत कर रहे हैं, उस पद पे अभी जाना है, और ये लोग सब सही में देश के सेवक, देश सेवक को देख कर इनको डर लग रहा है, उनको अहंकारी या भ्रष्टाचारी इस तरह से करके अपने वो तो आश्वस्त है कि तीसरी बार की जनता उन्हें मौका देने जा रही है, ये तो जनता बताएगी ना, 2024 में तय होगा कि कौन जाएगा तीसरी बार या कौन हटेगा। आपको क्या रहा है, बिहार में 40 सीटें हैं, आप भी घूम रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, बिहार में जो माहौल है और गठबंधन जो स्थिति है, महागठबंधन की जो स्थिति है, हम लोग अगर पूरी मजबूती से लड़ते हैं तो हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि आप मुझे दो सीट बता दें भारतीय जनता पार्टी का जिस पे वो विजयी हो सके। आपको लगता है कि पटना में भी बीजेपी हार सकती है? बिल्कुल हार सकती है, अब देखिए वो मुक्त है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अब उनकी इच्छा, वो जहाँ से लड़े चुनाव, जमुई में उन्होंने काम किया तो क्या जमुई से लड़ेंगे तो आपके कठिनाई होगी? हमें कोई कठिनाई नहीं है, हम तो जो लड़ेंगे उनका स्वागत है, हम लोग तो अपना अपना जानते हैं कि हम लोग के गठबंधन से जो रहेगा इस बार विजयी उसी को होना है। चिराग पासवान को जमुई से डर लगा है इस बार, क्या ये उन्हीं से पूछा जाए? वो तो कहते हैं कि काम हमने किया है, नहीं ये उन्हीं से पूछा जाए क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो खुद का आकलन होगा उनका।
प्रधानमंत्री ने गले भी लगाया तो आपको लगता है कि बल मिला है उनको? प्रधानमंत्री गले लगा लेंगे तो उससे वो कोई नेता हो जाएगा? ये कोई कहाँ की बात होगी प्रधानमंत्री गले लगा लेने से कोई नेता? ये उनका अपना फैसला है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उनके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, सब दिन उनके पिताजी वहाँ से सांसद रहे हैं। इनकी इच्छा हुई होगी जहाँ पिताजी का सीट है, पिताजी नहीं रहे तो वहीं से चुनाव लड़े। तो हाँ वो तो स्वाभाविक है, वो तो NDA गठबंधन के साथ है। जब मोदी जी गले लगा रहे तो स्वाभाविक है ना कि उन्हीं के साथ है। बिहार के राज्यपाल ने दिल्ली में भोज का आयोजन किया था जिसमें तमाम सत्ताधारी पार्टी ने फिर विपक्ष सांसदों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उसमें जितने भी बिहार के सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं ना RJD ना JD। अब ये निमंत्रण में कौन जा रहे हैं कौन नहीं जा रहे हैं उनकी स्वेच्छा पे बात है। आप ही को आमंत्रण मिलता है, कितना आमंत्रण आप कर पाते हैं? आप ही सब आमंत्रण में जा पाते हैं? अभी सावन का समय है, बहुत लोग बोलबम भी गए होंगे इसलिए वहाँ नहीं जा पाए होंगे। तो हम लोग तीसरे देखिए, इस बार इंडिया जीतने वाला है और इंडिया को मौका मिलने वाला है, इसलिए कोई अगर मुगालते में हम तीसरी बार बनेंगे तो ये उनके मतलब ये गलत सोच रहे हैं। ये तो पार्टी तय करती है, शीर्ष नेतृत्व तो तय करता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। देखिए हम लोग सब दिन, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग हर दिन तैयारी में रहते हैं। नहीं देखिए उसमें तो पहले जांच होनी चाहिए, पहले एक टीम गठित करके उस पर जाँच होनी चाहिए और जाँच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, लगता है कि फिर मुआवजा देने लायक रख दिया जाए। क्या लग रहा है कि आपको पुलिस को प्रशिक्षण क्यों देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लाठीचार्ज होता है तो कमर से ऊपर गोली चलाई जाती है, ये क्या प्रशिक्षण देने की आवश्यकता लग रही है? देखिए ये जांच का विषय है, जांचोपरांत ही बताया जा सकता है क्या वहाँ पे सही है क्या गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्या नहीं होता ये अपने स्तर से हम लोग वहाँ पे जजमेंट दे देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है इस बात को हम लोग नहीं जान पाते। वीडियो में क्या या फुटेज में क्या इसे नहीं कर सकते, माहौल क्या बना था ये सबसे बड़ी बात है, किस कारण से वहाँ पे गोली चली ये देखना जरूरी है।